बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, 3 लाख में कनाडा का वर्क परमिट और ओपन वर्क परमिट, वो भी डन बेस पर, क्योंकि आफ्टर लॉकडाउन सबको पता है कि कनाडा के अंदर लेबर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हाँ दोस्तों, ये बात सच है कि कुछ एजेंट्स और एजेंसीज जो हैं वो डन बेस पर वर्क परमिट और ओपन वर्क परमिट दिला रही है। कैसे, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी रियलिटी के बारे में, क्योंकि कल भी काफ़ी ज़्यादा वीडियोस के अंदर इस चीज़ के कमेंट्स देखने को मिले कि सर 3 लाख 4 लाख के अंदर आफ्टर लॉकडाउन जो है वो वर्क परमिट दिलवाया जा रहा है कुछ एजेंसीज और एजेंट्स की तरफ से, तो क्या ये चीज़ सच है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इस वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्लीज चैनल बटन होगा उसको दबा दो, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। फ्रेंड, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओपन वर्क परमिट की कि कौन कौन लोग इसके अंदर एलिजिबल हैं। अगर आपको ये चीज़ पता होगी तो आपको कोई भी एजेंट या एजेंसी बेवकूफ़ नहीं बना सकती। तो यहाँ पर 8 कैटेगरीज हैं टोटल, जो कि आप अप्लाई कर सकते हो ओपन वर्क परमिट के लिए अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर एलिजिबल हो। नंबर 1 के ऊपर, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं कनाडा से और वो एलिजिबल हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के, वो लोग बिल्कुल आसानी ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2 के ऊपर, जो लोग स्टडी कर रहे हैं वो भी ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा लोग यही कहेंगे कि सर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी कर रहे हैं सब के सब तो ओपन वर्क परमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सीन ऐसा होता है कि कुछ लोग एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से वो अपनी स्टडी को फ्रीज कर देते हैं बीच के अंदर। मतलब कि वो अगर 2 साल की स्टडी पढ़ रहे हैं तो 1 साल बाद उसको फ्रीज कर देते हैं और फिर कनाडा गवर्नमेंट को एक लेटर लिखते हैं कि हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हम अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो प्लीज़ हमें परमिशन दी जाए और ओपन वर्क परमिट इशू किया जाए। तो इस तरीके से वो लोग ओपन वर्क परमिट हासिल कर लेते हैं। नंबर 3 के ऊपर, जो लोग PR अप्लाई कर रहे हैं या तो कर चुके हैं वो भी ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 4 के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर कैटेगरी है, वो है स्पोस वीज़ा। फ्रेंड्स, अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड जो है वो स्टडी कर रहे हैं कनाडा के अंदर, तो आप उनकी बेस के ऊपर ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो और फिर बिल्कुल आसानी कनाडा जाके अपने लिए जॉब फाइंड कर सकते हो। और ज़्यादातर लोग ऐसे ही ओपन वर्क परमिट हासिल करते हैं। नंबर 5 के ऊपर, अगर आपका कोई ब्लड रिलेशन स्किल्ड वर्कर है ए और ओ कैटेगरी के अंदर, तो वो भी आपको ओपन वर्क परमिट दिलवा सकता है, क्योंकि दोस्तों ए और ओ कैटेगरी के अंदर बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है। तो जो लोग भी होते हैं उनके ब्लड रिलेशन जो होते हैं वो उनको ओपन वर्क परमिट दिलवा सकते हैं। नंबर 6 के ऊपर, जो लोग अंडर अनफोर्सेबल रिमूवेबल कैटेगरी के अंदर होते हैं वो भी ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 7 के ऊपर, जो लोग TRC पे जाते हैं वो भी ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। और नंबर 8 के ऊपर, जो लोग यंग प्रोग्राम अप्लाई करते हैं वो लोग भी ओपन वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। अब यंग प्रोग्राम के अंदर होता यह है, जो लोग IT स्टूडेंट्स हैं, वेब डेवलपर्स हैं, कंप्यूटर की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो लोग जो है वो यंग प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसके ज़रिए उनको ओपन वर्क परमिट इशू किया जाता है। अब फ्रेंड्स, ये वो कैटेगरी है जो लोग ओपन वर्क परमिट ले सकते हैं, इसके अलावा कोई भी बंदा आपको ओपन वर्क परमिट नहीं दिलवा सकता। अब जो एजेंट या एजेंसी आपको बोलती है कि हम आपको ओपन वर्क परमिट दिलवा देंगे सिर्फ 3 लाख 5 लाख या 10 लाख के अंदर, तो सबसे पहला आपने सवाल उनको यही करना है कि कौन सी कैटेगरी में दिलवाओगे और कैसे दिलवाओगे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप इन कैटेगरीज के अंदर एलिजिबल नहीं हो तो आपको दुनिया का कोई भी बंदा ओपन वर्क परमिट नहीं दिलवा सकता कनाडा का। हाँ, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको किसी भी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहीं पे आप अपने लिए ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, ये बात तो हो गई ओपन वर्क परमिट की, तो ये आपको क्लियर हो गया कि कौन लोग ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम मेन टॉपिक के ऊपर, क्योंकि दोस्तों आफ्टर लॉकडाउन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स एक्टिव हो चुके हैं वर्क परमिट को लेकर। कोई 3 लाख ले रहा है तो कोई 10 लाख, कोई 20 लाख, इसके अंदर वो आपको ओपन वर्क परमिट दिलवा रहे हैं। तो इसकी क्या रियलिटी है, किस तरीके से वो लोग आपको ओपन वर्क परमिट दिलवा सकते हैं।
नंबर वन के ऊपर दोस्तों, पहले तो ये है कि एजेंट आपसे 1 से 2 लाख रुपए एडवांस मांग लेता है। अब 1 से 2 लाख रुपए एडवांस लेने के बाद वो कहता है मैं प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ, और प्रोसेस स्टार्ट होते हुए 8 से 9 महीने गुजर जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता, और फिर आप उनसे पैसे वापस मांगते रहते हो और अपनी चपले घिसाते रहते हो। सेकेंडली, यहाँ तो एजेंट ऐसा करते हैं कि वो आपको काफ़ी टाइम तक घुमाने के बाद फेक जॉब ऑफर और LMIA रिपोर्ट बना के दे देते हैं। अब वो देने के बाद आप 2 महीना 3 महीना फिर से खामोश होकर बैठ जाते हो, और उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा एजेंट्स क्या करते हैं, जब आपको फेक LMIA या जॉब ऑफर प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद भी वो आपसे पैसे मांगते हैं कि अब आपका जो आगे का प्रोसेस है उसके लिए आपको 3 लाख और देने होंगे, 4 लाख और देने होंगे। तो आपको ऐसा लगता है कि चलो यार, एक प्रूफ तो उसने दे दिया और आप उसे वो पैसे भी पे कर देते हो। अब दोस्तों, जो लोग जेन्युइन होते हैं वो कभी भी आपसे एडवांस नहीं लेते। जब भी आप एजेंट के पास जाओगे तो आपको इन बातों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे नंबर वन के ऊपर कि आपको सबसे पहला उनसे सवाल करना है कि आप कौन सी कैटेगरी में मुझे जॉब दिलवाओगे, सी कैटेगरी में या फिर डी कैटेगरी में। क्योंकि दोस्तों, जो लोग ए बी और ओ कैटेगरी के लोग होते हैं उनको एजेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास एजुकेशन अच्छी है तो आप बिल्कुल आसानी कनाडा के बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उसमें एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो। जिन लोगों के पास एजुकेशन नहीं होती वही ऐसे शॉर्टकट वाले काम ढूंढते हैं। अब सबसे पहले बात की जाए सी लेवल की जॉब्स की, तो वो होती है सेमी स्किल्ड वर्कर्स की जॉब, ठीक है, उसके अंदर आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर डी कैटेगरी की बात की जाए तो वो लो स्किल्ड वर्कर्स की जॉब होती है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात की जाए सी कैटेगरी जॉब्स की, तो वो बिल्कुल आसानी मिल जाती है लेकिन उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट हैं जो कि पूरी होनी चाहिए। जैसे अगर आपकी स्टडी है वो 12th क्लास होनी चाहिए कम से कम, आपके पास IELTS होना चाहिए 4.0 बैंड, तो ही आपको वो एजेंट या एजेंसी जो है वो जॉब दिलवा सकती है। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको सी कैटेगरी के अंदर जॉब दिलवा सकें। तो उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये लोग जो है वो बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब यहाँ पे बात की जाए फ्रेंड्स डी कैटेगरी की, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है जॉब मिलना, और ख़ासकर इंडियन और पाकिस्तानियों को इसमें वीज़ा नहीं मिलता। मतलब ज़्यादातर कैटेगरी के अंदर वीज़ा नहीं दिया जाता डी कैटेगरी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बात की जाए, उसके बाद आपने उससे सवाल पूछना है कि आप किस स्ट्रीम के अंदर अप्लाई करोगे मेरा वीज़ा। जैसे कि अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम है, इसके अलावा म्यूनसिपल प्रोग्राम है, तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम है, उसके बारे में आपने ज़रूर पूछना है कि वो कौन से प्रोग्राम में आपका वर्क परमिट अप्लाई करेगा। अगर आपको पता है सारे के सारा प्रोसेस कनाडा का तो आपको कभी भी वो एजेंट बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। साथ ही मैं दोस्तों एडवांस पैसे से मैं बिल्कुल हटता हूँ, आपको एडवांस पैसे बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। अगर वो एजेंट जेन्युइन है तो वो आपसे बिल्कुल भी इतना ज़्यादा एडवांस कभी भी नहीं लेगा। हाँ, वो अपनी कंसल्टेंसी फीस ले लेगा, इसके बाद थोड़ा बहुत ऊपर ले लेगा, लाइक 40-50 हज़ार रुपये वो ऊपर ले लेगा, लेकिन वो आपसे 1 लाख रुपये, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख कभी भी ऐसे एडवांस नहीं मांगेगा। दोस्तों जैसे कि आपको पता है अभी लेबर शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा है कनाडा के अंदर, जिसकी वजह से एजेंट एक्टिव हो चुके हैं। अभी एजेंट्स को भी ये बात पता है कि काफ़ी ज़्यादा लोग जाने की कोशिश करेंगे कनाडा, जिसकी वजह से वो सारी ये चीज़ें अपनाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास पहले भी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट्स आ चुकी है और मैं पहले भी इस पर डिटेनिंग वीडियो बना चुका हूँ। एक बंदे के साथ तो ऐसा हुआ था कि उससे पैसे लिए तकरीबन 9 लाख रुपये, और उसके बाद 9 से 10 महीने उसको ख्वार करवाते रहे, कोई भी चीज़ का पता नहीं था। उसके बाद जब उन्होंने पैसे वापस किए, 9 महीने बाद उन्होंने पैसे वापस कर दिए एजेंट्स ने, तकरीबन 7 लाख या 8 लाख रुपए उसके वापस किए और 1 लाख रुपए उसके रख लिए, तो उसने ये सोचा कि चलो यार, एजेंट से पैसे मिले हैं, जान छुटी, कम से कम पैसा वापस तो आया, 1 लाख का नुकसान हुआ, खैर है वो मसला नहीं है। अब दोस्तों आप खुद सोचो वो कितने लोगों को ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं और 1 लाख रुपए हेंट लेते हैं, 8-8, 9-9 महीने तक आपके 5-5, 6-6 लाख रुपए वो अपने पास रखते हैं, उससे बिजनेस करते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं, और फिर आपको 8 से 9 महीने बाद वापस करते भी हैं तो उसमें से 1-1.5 लाख की अमाउंट रख लेते हैं। और काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ वो यही करते हैं, तो इतनी बड़ी अमाउंट बन जाती है उनके पास कि उनकी लाइफ ही सेटल हो जाती है इसके तहत। तो फ्रेंड्स, इन फ्रॉड से ज़रूर बचो आप लोग, ऐसे लोगों के बहकावे में बिल्कुल भी मत आओ, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको यहाँ पर। खासकर YouTube के ऊपर भी आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने पहले फेम हासिल किया और अब जो है वो प्रॉपर एजेंट बन के अब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनसे पैसे हेंट रहे हैं। मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कि सर, ये भी यूट्यूबर है और ये जो है वो इतने में वर्क परमिट दिलवा रहा है। तो फ्रेंड्स, कोई गारंटी नहीं होती किसी की भी कि वो आपको वर्क परमिट दिला सके, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपको वर्क परमिट दिलवा पाए।
तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।